नमस्ते, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। इस विषय में मैं आपको पिछले अध्यायों में मूसा के बारे में, संदीप बंधन के द्रव्यों के बारे में, कई प्रकार की मुद्राएं, हट मुद्रा के बारे में, और आपको चुल्लिका के बारे में, मद्र मुद्रा के बारे में, इस प्रकार की मैं आपको बताया। इन ये सब रसशास्त्र में उपयोगी आने वाले शब्द हैं, इनके बारे में आपको जानकारी ज्ञान होना चाहिए। अतः मैंने आपको इन सब शब्दों के बारे में बताया है। अब मैं आपको जो पिछले अध्याय में मैंने चुल्लिका के बारे में आपको बताया था, तो चुल्लिका के पर्याय के बारे में बताने जा रहा हूँ। पर्याय क्या क्या होते हैं चुल्लिका के, उसमें बताया अंगारधनिका के नाम से भी चुल्लिका को पुकारा जा सकता है। अंगारधनिका के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है, तब भी आप चुल्लिका के बारे में ही वर्णन करोगे। हसंतिका, अंगार शक्ति, हसनी, चुल्लिका, ये सभी चुल्लिका के पर्याय कहे गए हैं। कुल मिला के जो अग्नि का चूल्हा होता है, जिस पर अपन रख कर के और पाक करते हैं, जिस पर रख कर अपन दौला यंत्र को रख कर के उसके स्वेदन करते हैं, वो चुल्लिका चूल्हा होता है, वो उसको ही चुल्लिका कहा गया है। इसका उपयोग मुख्य रूप से मृदु द्रव्यों को पकाने तथा वंग आदि को पिघलाने के लिए किया जाता है। इसका जो प्रयोग है, जो मृदु द्रव्य होते हैं, मृदु का मतलब जो कठिन नहीं होते हैं, मुलायम होते हैं, उन द्रव्यों को पिघलाने के लिए, पकाने के लिए, और वंग आदि को द्रवित करने के लिए किया जाता है। कोष्ठी, इसके बाद में कोष्ठी आती है, कोष्ठी के बारे में वर्णन है। कोष्ठी अभ्रक एवं माक्षिक आदि द्रव्यों से सत्व प्राप्त करने तथा निष्कासित सत्वों को शुद्ध करने के लिए एक विशेष प्रकार के विभिन्न प्रकार की भट्टियों का उपयोग किया जाता है। इन भट्टियों को कोष्ठी संज्ञा से सूचित किया गया है। भट्टी जो होती है, जो इसमें हलवाई लोग काम करते हैं, आजकल तो भट्टियाँ जो होती है लोहे की निर्मित होती है, और ऊपर अपन कहीं भी रख के उसको उठा के ले जाते हैं, काम कर लेते हैं। पुरातन ज़माने में भट्टियाँ ज़मीन के अंदर खोदी जाती थी, वो भट्टियाँ कहलाती थी। उन भट्टियों से ही यह संबंध है, उनका यहाँ प्रयोग किया जाता है कोष्ठी के रूप में। तो अभ्रक और माक्षिक आदि द्रव्यों के सत्व प्राप्त करने तथा निष्कासित किए हुए सत्वों को शुद्ध करने के लिए विशेष प्रकार की विभिन्न प्रकार की भट्टियों का उपयोग किया जाता है। इन भट्टियों को ही कोष्ठी संज्ञा से सूचित किया गया है। ये विविध आकार प्रकार की होती हैं, जिस प्रकार से जैसा साधन अपने को प्रयोग करना होता है, उसके आकार प्रकार की ये होती है, तथा इनकी विशिष्ट रचना का उद्देश्य तीव्र केंद्रित अग्नि प्राप्त करना होता है। इनकी विशिष्ट आकार, कई बार विशिष्ट आकार दिए जाते हैं, लेकिन उन विशिष्ट आकारों की जो रचना दी जाती है, उनका उद्देश्य सिर्फ द्रव को अग्नि प्रदान करने का ही होता है, कि द्रव को तीव्र अग्नि किस प्रकार प्रदान की जाए, उसी के आकार से उसको बनाई जाती है कोष्ठियाँ। और ज़मीन के नीचे जो गहरी खोदी जाती है, उसमें जो अग्नि प्राप्त होती है, वो तीव्र अग्नि प्राप्त होती है बनिस्पत ज़मीन के ऊपर वाली की अग्नि बाहर फैल जाती है, जबकि उसकी अग्नि सीधी उसी द्रव पर लगती है जिसको अपन पका रहे हैं। अंगार कोष्ठी के बाद में अंगार कोष्ठी का नंबर है। अंगार कोष्ठी के बारे में, कठोर समतल भूमि पर सवा हाथ लंबी, 1/4 यानी सवा हाथ लंबी, चौड़ी एवं ऊंची मिट्टी की एक चौकोर भट्टी बनाएं। अंगार कोष्ठी को सामान्य रूप से अंगीठी के नाम से जान सकते हैं, आजकल उसको अंगीठी बोलते हैं।
जिनमें सामान्य रूप से छात्र अगर अकेला रहता है, छात्र या छात्रा जो भी है, तो वो घर पर खाना भी कोयलों के माध्यम से अंगीठी से बनाते हैं, अच्छा खाना बनता है। कोई भी खाना उपाय उपयोग की जो चीज़ें हैं वो उसमें बनाई जा सकती है। कुल मिला के अंगीठी उसको बोल सकते हैं अंगार कोष्ठी को। तो उसके लिए चकोर भट्टी बनावें, इसके अंदर का रिक्त भाग एक एक हाथ लंबा चौड़ा और गहरा तथा चौकोर हो, रिक्त भाग होना चाहिए। इसे मिट्टी से अंदर बाहर लेप कर सुंदर बना लें, मिट्टी से अंदर बाहर इसको लिपाई कर लें, सुंदर बना लें। इसके किसी एक दीवार पर जिधर से उपयुक्त हो एक चार अंगुल गोल छिद्र बना लें, एक तरफ छिद्र बना लें ताकि वहाँ से उसमें हाँस दिया सके, छिद्र बना लें जिसमें धमन यंत्र की नाली को जोड़ा जा सके। इस कोष्ठी के लकड़ी या पत्थर के कोयले डालकर ऊपर से द्रवयुक्त मूसा या औषधि युक्त द्रव का गोला रखकर दमन करें, इसे अंगार कोष्ठी कहते हैं। इस पर कोयला, मिट्टी के लकड़ी कोयले या पत्थर के कोयले रखकर दमन क्रिया द्वारा दमन करके उनको जला करके और किसी भी द्रव की मूसा, औषधि युक्त मूसा या द्रव को गोला बनाकर दमन करने के लिए किया जाता है, ये अंगार कोष्ठी कहलाती है। इसी प्रकार से पाताल कोष्ठी के लिए हैं, दृढ़ एवं समतल भूमि पर एक बित्ता बोलते हैं, बिलांद, एक ये नापते हैं इसको पूरा, एक बित्ता गहरा और उतना ही चौड़ा गोल आकार का एक गड्ढा बना लें, एक यो ये इसके ये इस तरह का जो इतना होता है नाप हाथ से, ये नाप बित्ता गड्ढा बना लें। इस गड्ढे के बीच में चार अंगुल गहरा और उतना ही गोल एक छोटा गड्ढा बनाकर रख लें। अंदर से बाहर की ओर भूमि की सतह पर निकली हुई एक तिरछी नली जोड़ दें, इसमें चार अंगुल गोल गड्ढे जिसके नीचे तिरछी नली का कोष्ठी वाला सिरा खुलता है, उस छिद्र में एक पांच छिद्र युक्त मिट्टी का प्याला रख दें, तिरछी नली के बाहरी सिरे से धमन यंत्र को जोड़ दें। इस कोष्ठी को कोयलों से भरकर ऊपर द्रवयुक्त मूसा रखकर अग्नि प्रज्वलित करें, मतलब इन कोष्ठियों का उपयोग यही है कि इसके ऊपर द्रवयुक्त मूसा या कोई भी औषधि रखकर उसका पाक किया जाए, ठीक है ना। तो मूसा रखकर अग्नि प्रज्वलित कर भस्त्रिका यानी धमन यंत्र से दमन करें। इस कोष्ठी जमीन से गर्त बनाकर रखी जाती बनाई जाती है, इसे पाताल कोष्ठी, पाताल यानी जमीन के नीचे, पाताल का मतलब होता है जमीन के नीचे, तो पाताल कोष्ठी कहते हैं। इस कोष्ठी में मृदु द्रव्यों का सत्पादन किया जाता है, इसमें जो मृदु द्रव्य है उनका सत्पादन किया जाता है, इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। आगे है गार कोष्ठी। गार कोष्ठी जैसा कि सबसे स्पष्ट है, गार यानी मिट्टी, मिट्टी का कीचड़ जो होता है, मिट्टी से बनने वाली गार कोष्ठी होती है। इसमें भूमि के अंदर 12 अंगुल गहरी तथा 9 अंगुल उठी हुई उतनी ही चौड़ी मुख वाली कोष्ठी मिट्टी से तैयार करें, जमीन के अंदर मिट्टी से तैयार करें। कोष्ठी के तल भाग में 4 अंगुल ऊपर कोष्ठी के आभ्यंतर दीवार से सटा हुआ एक गोल वलय बना लें, वलय छल्ला जैसा बना लें गोल गोल। इस वलय के सहारे एक छिद्रयुक्त जाली रख दें, वो जैसे अंगीठी में रखते हैं वैसे जाली रख दें जमीन में बना करके। इस जाली के ऊपर कोयला रखकर वंकनाल की सहायता से दमन करें, इसे गार कोष्ठी कहा जाता है। इसका उपयोग सोना चांदी के किसी अन्य धातु की मिलावट होने पर उसे दूर करने के लिए किया जाता है, ये गार कोष्ठी। गार कोष्ठी में क्या होता है जी, गार कोष्ठी में कुल मिला के जमीन के नीचे 12 अंगुल गहरी और 9 अंगुल उठी हुई इतनी चौड़ी मुख वाली मिट्टी की कोष्ठी तैयार करें और इस कोष्ठी को जमीन के नीचे तय भाग में 4 अंगुल कोष्ठी की अभ्यंतर दीवार बना करके नीचे डाल दें, और नीचे डालने के बाद में उसके ऊपर एक वलय आकार का छल्ला बनाए ऊपर उसके बनाकर उसमें जाली रख दें, जाली के ऊपर कोयला रखें, कोयला रख के और दमन यंत्र से जोड़ के उसको उसमें दमन करें, तो उसमें मृदु द्रव्यों का सत्पादन किया जाता है, ये गार कोष्ठी का आपका निर्माण हुआ। इसके बाद में मैं आपको सत्पादन कोष्ठियाँ एवं उनकी आधुनिक स्वरूप, सत्पादन करने वाली कोष्ठियाँ कैसी होती है और उनका आधुनिक स्वरूप क्या है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सत्पादन किसी भी औषधि का सत्पादन यानी सत्व यानी उसका मुख्य द्रव्य, एक्टिव प्रिंसिपल को निकालना,
मतलब संपूर्ण मेडिसिन को नीले करके उसमें जो एक्टिव प्रिंसिपल है उस एक्टिव प्रिंसिपल को प्राप्त करके उससे औषधि बना करके देना। तो सत्योपासन अथवा धातु द्रावण, धातु का द्रावण है, धातु का द्रावण करना है, द्रवित करना, उसको पिघलाना, या द्वंद्व मेलापन के लिए, या द्वंद्व मेलापन के लिए द्रव के अनुसार तीव्र एवं तीव्रतर अग्नि की आवश्यकता होती है। मतलब सत्योपासन के लिए और धातु को द्रावण करने के लिए, धातु जो होते हैं सोना चांदी आदि, ये धातु जो बहुत ही कठिन कठोर धातु हैं, इनको पिघलाने के लिए तीव्रतर अग्नि की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार की कोष्ठियाँ सुविधानुसार निर्मित की जाती है। जैसे सुविधा हो उस प्रकार से निर्मित की जाती है, आधुनिक समय में तो सुविधा के अनुसार निर्मित की जाती है। जिनमें अंगार, पाताल एवं गार कोष्ठियाँ का रस ग्रंथों में वर्णित आकार प्रकार का एवं स्वरूप का वर्णन किया गया है। मतलब रस ग्रंथों में कई प्रकार की अगार कोष्ठियाँ, पाताल कोष्ठियाँ, गार कोष्ठियाँ का वर्णन किया गया है कि किस आधार पर बनाई जाती है, किस आकार की बनाई जाती है, कितनी अंगुल ऊंची नीची बनाई जाती है, इसका पूरा वर्णन रसग्रंथों में किया गया है। इसके अतिरिक्त भी सुविधानुसार कोष्ठियों की रचना की जा सकती है। मतलब शास्त्रों ने यह भी कहा है कि ये तो कोष्ठियों का निर्माण शास्त्रों में बता दिया है, इसके अनुसार इसके अतिरिक्त भी चिकित्सक या औषधि निर्माता, चिकित्सक जो भी है, चिकित्सक बनाता औषधि निर्माता अपने कार्यस्थल पर अपनी सुविधा के अनुसार अन्य प्रकार की कोष्ठियों का निर्माण भी कर सकता है, जिससे सुविधा हो और उसको कार्य करने में सुगमता हो, इस प्रकार की रचना वो कर सकता है। इस प्रकार की शास्त्रों ने उसको स्वतंत्रता प्रदान की है, तो सुविधा अनुसार की जा सकती है। इन कोष्ठियों की रचना दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की बताई गई है, कोष्ठी तथा भस्त्रिका कोष्ठी। एक तो कोष्ठी बताई है, एक भस्त्रिका कोष्ठी बताई है। जो ईंट पत्थर कैसे बनती है, किससे बनती है, जो ईंट पत्थर मिट्टी एवं धातु लोह से तैयार की जाती है, ईंट से, पत्थर से, धातु से, लोह से, इनसे तैयार की जाती है। कोष्ठी की रचना में तल की ओर से धमन के लिए उपयुक्त मार्ग व्यवस्था तथा ऊपर से मतलब कोष्ठी बना तली नीचे की ओर, तो धमन के लिए मार्ग रखना पड़ता है कि धमन किया जाए, उसमें पंखे जोड़ के उसको हवा दी जाए, उसमें धमन किया जाए, और ऊपर से कोहला द्रव्य मूसा आदि रखने के लिए खुला भाग होता है। दो प्रकार के भाग होता है, नीचे धमन करने के लिए, ऊपर से कोहला रखने के लिए जाली रख करके ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है, खुला भाग हो। धमन मार्ग एवं ईंधन द्रव्य के स्थान के बीच एक जाली की व्यवस्था की आवश्यकता है, क्योंकि बिना जाली के आप कोयला वगैरह कहाँ रखोगे, तो एक जाली की आवश्यकता होती है, जाली लगाए वहाँ पर, जिस पर ईंधन तथा द्रव्य टिका रहे। ईंधन टिका रहे, यहाँ ईंधन का मतलब लकड़ी कोयला या पत्थर जो भी कोयला है वो टिका रहे, या द्रव्य टिका रहे, और तथा सावधानी पूर्वक बिना किसी अवरोध के नीचे से धमन का कार्य संपन्न हो सके, क्योंकि नीचे अगर धमन का कार्य के लिए जगह नहीं होगी तो धमन नहीं किया जा सकता है, इसलिए धमन कार्य आसानी से हो सके इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था की जा सके। इस प्रक्रिया में लगने वाला समय अग्नि की मात्रा, द्रव की मात्रा आदि के आधार पर धमन यंत्र एवं कोष्ठी का आकार प्रकार का चयन कर निर्माण किया जा सकता है कि कितना समय लगेगा इसकी इस प्रक्रिया में, किसी द्रव्य के लिए कितने प्रकार के धमन यंत्र चाहिए, कि धमन किस प्रकार का करना है, कितने प्रकार का कोहला चाहिए, इस प्रकार का आप औषधि के अनुसार चयन करके और उसका निर्माण किया जा सकता है आधुनिक रूप से। तो अपने स्वतंत्र किया है कि जैसे हो वैसे निर्माण कर लें। इसी प्रकार धमन यंत्र में प्राचीन काल से इस कार्य के लिए चमड़े से निर्मित भस्त्रिका का उपयोग होता था। धमन यंत्र के लिए चमड़े की निर्मित होती थी, उसको दबाते थे, दबा दबा करके यूँ हवा अंदर पहुँचाते थे। वर्तमान में विद्युत चालित ब्लोअर जो अलग अलग आकार के या शक्ति के हॉर्स पावर के शक्ति के अनुसार उपलब्ध हैं, उपयोगिता के आधार पर इनका चयन करना चाहिए। मतलब प्राचीन काल में तो आपको चमड़े से बनी निर्मित भस्त्रिका का प्रयोग होता था, लेकिन वर्तमान में विद्युत चालित ब्लोअर जो अलग अलग आकार के और अलग 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 शक्ति के हॉर्स पावर के होते हैं उनसे प्राप्त करके धमन यंत्र का निर्माण करना चाहिए, चयन करना चाहिए। इसी प्रकार से वंकनाल वो होती है जिससे अपन हवा देते हैं, लोहे की वंकनाल होती है, उससे हवा प्रेशर करते हैं। उसके लिए बताया कि वंकनाल एक अरत्नी, वंकनाल कैसे होनी चाहिए, एक अरत्नी
यानी मध्यमा उंगली से कोहनी पर्यंत, मध्यमा उंगली से कोहनी पर्यंत, मध्यमा उंगली ये मध्यमा इसके कोहनी पर्यंत, ये अरतनी कहलाती है। कोहनी से लेकर के मध्यमा उंगली तक ये नाप जो होता है एक अरतनी कहलाता है। मतलब ये मध्यमा ये उंगली और यहाँ से कोहनी, कोहनी से लेकर के मध्यमा उंगली तक ये एक अरतनी कहलाएगा। तो एक अरतनी मध्यमा उंगली और कोहनी पर्यंत प्रमाण की मूसा उपयोगी मिट्टी से लंबी नली बनाए, जिससे मूसा बनाते हैं, मूसा की उपयोगी नली हो उससे नली बनाए। एक अन्य पांच अंगुल लंबी और नीचे की ओर मुड़ी हुई दूसरी नली इस प्रकार की बनाए जो लंबी नली में प्रवेश कर सके, ठीक है, उस नली में अंदर प्रवेश कर सके, इन्हें जोड़ देना चाहिए। इसे वंक नाल कहा जाता है। यह कम मात्रा में सोना चांदी आदि पिघलाने अथवा उनकी मिलावट को पृथक करने के लिए मुख से फूंक देकर अग्नि तीव्र करने के उपयोग में काम आती है, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में फूंकनी भी कहते हैं। फूंक देने वाली फूंकनी लोहे की निर्मित होती है, इसको इससे चूल्हे का चूल्हा जलाने की काम में आती है। पुराने पुराने समय में इस प्रकार की वंक नाल बनाई जाए। धन्यवाद, नमस्कार।